दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल परदेसी फैमिली बाजार एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले सिटी वन परिवार की ओर से जम्मू कश्मीर में गए पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को सिटी वन परिवार की ओर से सलाम। ईश्वर करे उनके परिवार को ये दर्द झेलने का हौसला मिले। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। नगर निगम ने दी शहीदों की शहादत को सलामी, महापौर सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। आतंकवादी हमले में देवरिया और महाराजगंज के भी माटी के लाल हुए शहीद, सिटी वन विशेष। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस, फरियादियों की सुनी गई फरियाद, निपटाए गए कई मामले। पुलवामा हमले के विरोध में गोरखपुर में दुकानें रहीं बंद, बंदी का रहा मिलाजुला असर। विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी किया आतंकी हमले पर जमकर विरोध, मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। भारत माता की जय और पाकिस्तान विरोधी नारों की गूंज से गूंजा गोरखपुर, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्कूली बच्चों ने भी मौन रैली निकाल कर किया आतंकी हमले का विरोध, कहा अब होनी चाहिए आर पार की लड़ाई। आतंकी हमलों में जवानों की शहादत पर नौजवान बौखलाए, किया प्रदर्शन, लगे पाकिस्तान विरोधी नारे। शहीदों की शहादत पर व्यापारियों ने की दुकानें बंद, फूका पाकिस्तान का पुतला। हवन के माध्यम से भी लोगों ने किया शहीदों की मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। और स्कूली बच्चों ने भी आतंकी हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए नारे। नगर निगम गोरखपुर में भी जम्मू कश्मीर में पुलवामा में शहीद हुए अमर जवानों की शहादत को बाकायदा सलाम किया गया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ अनु सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। वो प्रशासन के पास पहुंचेगी, सरकार के पास पहुंचेगी और आपकी भावनाओं का आदर करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अपने अभी ना भैया आ जाओ, तो कैमरा सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि पुष्पांजलि के लिए आए, पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी चाहे छाया प्रबंधु हों, चाहे सामान्य नागरिक हों, चाहे प्रशासनिक बीच में एक स्कॉर्पियो द्वारा जो हमारा एक वाहन बुलेट प्रूफ नहीं था, उसे ही चुन के घात आईईडी जैसे विस्फोटक प्रभाव के माध्यम से प्रेरित करता है कि हमारे बीच में ही जयचंद ने किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा वाहन जा रहा है। भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सर चौथा स्तंभ ऐसा है कि जिसने पूरे जनमानस को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ने जिस क्रूरता और बर्बरता का सबूत दिखाया है, उससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिनमें अभी उत्तर प्रदेश के 12 और अगर बात की जाए पूर्वांचल की माटी की तो इसने भी महाराजगंज और देवरिया के सपूतों को खोया है।
महाराजगंज में जहां एक ओर पंकज त्रिपाठी का पार्थिव शरीर पहुंचा, वहीं दूसरी ओर देवरिया में विजय मौर्य का अगला सफर शुरू हुआ। पेश है सिटी वन की ओर से विशेष रिपोर्ट, शहीदों का सफर। जानते हैं हिंदुस्तान के हृदय पर सबसे बड़ा बोझ इस समय क्या है? आप कहेंगे 40 जवानों की शहादत। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी बड़ा बोझ उन कंधों पर है जो शहीदों के शव को उठा रहे हैं, क्योंकि एक बाप के कंधे के ऊपर तहे जिंदगी इतना भारी बोझ नहीं पड़ता जितना अपने औलाद की अर्थी उठाने पर पड़ता है। शायद दुनिया में इससे भारी भरकम और कोई बोझ नहीं। जैसे ही महाराजगंज के सीआरपीएफ जवान पंकज त्रिपाठी और देवरिया के लाल विजय मौर्य का पार्थिव शरीर गांव की सरहद पर पहुंचा, गुजरती हुई हवाओं ने शहीद को सलामी दी और फिजाओं में गूंज गया अमर रहे। यकीन मानिए, ये मरे नहीं हैं, ये अमर हैं और अमर रहेंगे, क्योंकि इन ताबूतों में उस शूरवीर का शव है जिसकी सांसें अगले शरीर के इंतजार में इसलिए बेचैन होंगी क्योंकि दुश्मनों की सांसें अभी चल रही हैं। तिरंगे की चादर में लिपटे भारत के ये लाल अपने गांव की माटी में लौट आए हैं और छोड़ आए हैं हिंदुस्तान की सरजमी के लिए अपनी अपनी सांसें। अब छटपटाती हुई पंकज की पत्नी, माँ और दादी ये कभी नहीं पूछ पाएंगी, घर कब आओगे? 4 साल के प्रतीक को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ क्यों है, सब लोग रो क्यों रहे हैं। लेकिन सबको रोता देख 4 साल का बच्चा अपने नन्ही उंगलियों से माँ के आंसुओं को पोंछ रहा है। यही हाल देवरिया के शहीद विजय मौर्य के परिवार का भी है। विजय की छुट्टी 2 दिन पहले ही मंजूर हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सेकंड में ही एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पंकज और विजय दोनों शूरवीर के गांव अमर रहे की गर्जना से गूंज उठा, लेकिन एक गूंज उस माँ के कलेजे की चीख की भी थी जिसने दर्द देने के साथ इस दरिंदगी के खिलाफ देश से आवाज लगाई। शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए बड़े बड़े नेता भी पंकज और विजय के घरों पर उनके पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए नतमस्तक दिखे। गांव के हर शख्स के चेहरे पर जहां एक ओर दर्द था, वहीं आंखों में बदले की आग भी थी। शहीदों के परिवारों को हौसला दिलाने वालों के भी होश पाखता हो जा रहे थे। जरा सुनिए माँ की पुकार, जिसे इसका लाल अब नहीं सुन सकता। अमर लाला कहत रहना अम्मा जहजिया से तू के हम ही घुमाई रे दादा। तिरंगे से लिपटा हुआ ये फूलों से ढका शहीद का ताबूत मानो यही कह रहा हो, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो अपना फर्ज निभा चुके और मिट्टी का कर्ज चुका चुके, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों की यात्रा को हम शव यात्रा नहीं कहेंगे, हम इसे अंतिम यात्रा भी नहीं कहेंगे, हम इसे सफर कहेंगे, क्योंकि शूरवीरों का सफर कभी खत्म नहीं होता, बस एक रुकता है और दूसरा वहीं से चल पड़ता है। देवरिया और महाराजगंज के इन शूरवीरों की शहादत जाया नहीं जाएगी।
ऐसा हमें यकीन है। लेकिन उस बाप के कंधे वाला बोझ अब किसी और बाप को ना सहना पड़े, बस जरूरत इसी की है। शायद पंकज और विजय की रूह अपने गांव सहित इस मुल्क से कह रही हो, हम आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुखों को सह सह कर। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो ऐ वतन, हम तो सफर करते हैं। सिटी वन परिवार की ओर से शहीदों की शहादत को सलाम और श्रद्धांजलि। महानगर गोरखपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तो चलता ही रहा, लेकिन प्रशासनिक तंत्र का भी चलना जरूरी है। इसी के तहत शनिवार को अलग अलग थानों में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण थाना दिवस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में झंगा थाना और चौरी चौरा थानों में फरियादियों की फरियादें सुनने के लिए ये आयोजन किया गया। इस संपूर्ण थाना दिवस कार्यक्रम में कई फरियादियों के मामलों का निपटारा तत्काल कर दिया गया और बाकियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनके मामले निस्तारित किए जाएंगे। रवि कुमार अपना नंबर बता दो। मोबाइल नंबर बता दो। अरुण कुमार तिवारी जी लेखपाल जी नंबर बताओ ना मोबाइल नंबर 8 5 7 7 8 3 9 3 8 3 9 3 1 2। गोरखपुर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में दुकानों को बंद करवाया गया। कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और प्रदर्शन का हिस्सा बने, और कुछ दुकानदारों ने प्रदर्शनकारियों के अपील पर अपनी दुकानें बंद की। बंदी का असर साफ तौर पर उर्दू बाजार, गीता प्रेस, रेती चौक, बख्शीपुर में देखने को मिला। फिलहाल अगर इसे व्यापक तौर पर देखा जाए तो इस बंदी का पूरे शहर में मिला जुला असर दिखाई दिया। टेम्पो ये चले आगे बढ़ो जी, टेम्पो आगे ले दो। कौन है गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि किसी भी हाल में पाकिस्तान की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। छात्रों का यह भी कहना है कि किसी भी हाल में इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हिंदुस्तान के दिल पर किया गया ये चोट अपने आप में एक नया तूफान लेकर आएगा।
महानगर के गणेश चौराहे पर शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए ये श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जो बुजदिली का काम किया है उसे पूरा विश्व एक सिरे से नकार रहा है। महानगर में भी आतंकी घटना के खिलाफ लोगों में बहुत सारा गुस्सा और उबाल देखने को मिला। ये आक्रोश कहीं मौन रैली के रूप में दिखाई दिया तो कहीं नारों की गूंज में सुनाई दिया। इस आतंकी हमले के खिलाफत में महानगर के स्थानीय स्कूल के बच्चों ने भी मौन रैली निकाली, हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लिए तिरंगे को लहराते हुए। बच्चों का ये कारवां शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा और ये पैगाम दिया, बस अब और नहीं, हमें अपने भाइयों की शहादत चाहिए, अब और नहीं बेवजह किसी घर का चिराग बुझना चाहिए। इन बच्चों के चेहरों पर एक अजीब सा दर्द था और आंखों में कुछ सवाल, आखिर कब तक। हमारे संवाददाता से बात करते हुए रैली की रहनुमाई करने वाले ने कहा कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, मामला आर या पार होना चाहिए। का जो है ये जो मार्च निकल रहा है इनके अंदर भी आक्रोश और गुस्सा है और हम यही चाह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और जो भी हमारे जो है देश के ऊपर जो है तिरछी निगाह से देख रहा है, बुरी निगाह से देख रहा है, उसकी आँखें फोड़ देनी चाहिए और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हमारे देश के ऊपर कोई भी एक उंगली उठा करके देखे। अगर कोई उंगली उठाता तो हम सर काट देंगे। हम कहने वाली बात नहीं, जुमलेबाज नहीं है, हम करके दिखाएंगे। सिर्फ हमको इजाज़त मिलनी चाहिए कि हाँ हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर।
एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009993559081। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए रुख करें अगली खबर की तरफ। 40 जवानों की आतंकी हमले में शहादत हो गई और इस शहादत से गोरखपुर महानगर के युवा छात्रों में भयंकर आक्रोश देखने को मिला। महानगर के अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उठने वाले हर हाथ ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और शहीदों की शहादत को सलाम भी किया। पड़ोसी पाकिस्तान की नापाक हरकत से जवानी बौखलाई हुई है और ये बौखलाहट कहीं प्रदर्शन के तौर पर दिखती है तो कहीं पुतले जलाने में ये नफरत सामने आती है। इन्हीं नज़ारों से गोरखपुर की सड़कें दो दिनों से पटी पड़ी हैं। आतंकी हमले के विरोध के स्वर इतने तेज और तीखे हैं जिन्हें इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए जवानों की शहादत पर पूरा का पूरा गोरखपुर उबल रहा है। जहां देखो वहां कोई पुतले दहन कर रहा है, कोई उसके विरोध में अपनी दुकानें बंद कर रहा है। गोरखपुर के व्यापारियों ने भी एकजुटता दिखाते हुए भारत माता की जय के नारों के गूंज के बीच अपनी दुकानें बंद रखी। भारी तादाद में व्यापारियों ने इस दौरान प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। वैसे तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, इस भीड़ के हर चेहरे पर गुस्सा था, आक्रोश था। इसके बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी नेता ने कहा कि पूरा भारत बदले के आक्रोश में जल रहा है, सरकार को जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने कायरता के साथ परिचय दिया है, हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार उनके घरों में घुस करके एक एक आतंकवादियों को मौत की घाट उतारे। हम 40 से संतुष्ट नहीं है, हम 4,000-4,00,000 सरों को काट कर लाना पड़े तो हम काट कर लाएंगे। ऐसी मेरी भारत सरकार से विनती है, आग्रह है और हम सब बहुत आक्रोश।
घोषित है। भारत माता की। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए ऑल इंडिया पद्म कमेटी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हवन कर शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हवन कर रहे सोसाइटी के लोग मृत आत्मा की शांति के लिए हवन कर रहे हैं ताकि जवानों की आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दर्द को सहने की ताकत मिले। अमर शहीदों की याद में और इस आतंकवादी हमले के विरोध में महानगर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास स्कूली बच्चों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलवामा में शहीद हुए जवानों को सलामी दी। दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए श्रीवन चैनल। साईं प्रणाम।